इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबका MPA जनाब तारक मसीह गिल साहब। सर, आप कल के वाकया को किस तरह से लेते हैं? हमारे बड़ी शर्मनाक बात है। इस शर्मनाक होलनाक साने पर हम तो आंसू बहा रहे हैं, और ये जो शर्मसार नासर जिन्होंने ये जालिमाना हरकत की है, जिन्होंने मेरी बाइबल मुकद्दस को जलाया है, जिन्होंने मेरी जबूर की किताब को जलाया है, जिन्होंने मेरी सलीब की बेहरमती की है, उस सलीब की बात करता हूँ जिस सलीब पर मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी प्यारी जान का फिदिया देकर बनी इंसान के लिए, ना के मसीही लोगों के लिए, बल्कि मसीही लोगों के लिए नहीं, पूरी बनी इंसान की निजात के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहाया, ताकि हम निजात पाए और कसरत से पाकिस्तान पर उंगली उठाने वाले लोगों ने, और जो लोग इस पाकिस्तान के बनने में मुखालफत करते हैं, ये उन लोगों का काम है। खुदा इनको गलत करे, खुदा इनको कैफे करदार तक पहुंचाए। और मेरा मुतालबा है कि जिन लोगों ने बाइबल मुकद्दस की बेहरमती सरेआम किया, उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका।